भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पूरे प्रदेश में मतदाता पुनरीक्षण का अभियान शुरू किया गया है, जिसमें 18 वर्ष उम्र के नव मतदाताओं के नाम जोड़ने का कार्य शुरू किया गया है। इस क्रम में पोहरी शांति निकेतन स्कूल में मतदाता पुनरीक्षण के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें SDM राजन बी नाडिया, मंडल अध्यक्ष आशुतोष जैमिनी सहित स्कूल प्रबंधन मौजूद रहे, जहाँ SDM राजन बी नाडिया ने सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर नव मतदाताओं के नाम जोड़ने का कार्य शुरू किया गया है। जिन मतदाताओं की उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, मतदाता सूची में नाम जुड़वाए। इस दौरान कार्यक्रम में तहसीलदार श्रीमती लता पाल जी, स्कूल संचालक श्री कृष्ण कुमार जैमिनी, BLO श्री अनिल कुमार दीक्षित सहित कई छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग के द्वारा जो पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे भारत में जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसी क्रम में आज पोहरी हमारे विधानसभा में भी हमारे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व माननीय श्री SDM पोहरी श्री राजन बी नाडिया साहब के द्वारा आदिवासी बस्तियों में जाकर के भी इसी प्रकार से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और नाम जो नव मतदाता है हमारे जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं उनका नाम बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो हमारे जांच जो हमारा जांच दल है BLO और पटवारी, हमारे पार्टियों के भी BLA और बूथ के अध्यक्ष लोग सभी मिलकर के नाम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसमें हमारे SDM साहब की भूमिका बहुत सराहनीय है। हमारे साथ में विराजमान उनके तहसीलदार मैडम बहन श्रीमती लता पाल जी, वो भी यहाँ विराजमान है। सभी लोग दोनों हमारे अधिकारियों के लिए ताली में बताया कि 5 अक्टूबर 2005 में जिनका जन्म हुआ है, वो सभी लोग नव मतदाता बनने के लिए आने वाले हैं और अपने मत का अधिकार करेंगे और जब मत का प्रयोग करेंगे तो हमारी एक अच्छी सरकार काम बनेगी, तो अच्छे से हमारे क्षेत्र का विकास होगा और सभी लोग मतदाता बनकर के हमारे क्षेत्र का विकास करने के लिए हम सब लोग जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, जभी तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा। उसके लिए हमारे माननीय निर्वाचन आयोग और सभी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सभी लोग मिलकर के नाम बढ़ाने का जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें सभी लोग सहभागिता करें और जिनके नाम जैसे कोई यहाँ से चला गया है उसका नाम भी काटा जा रहा है उसमें भी हमारा सहयोग करें और उनकी भाभियाँ आई हैं तो उनके भी नाम जुड़वाने का काम करें। हमारे BLO भी घर घर जा रहे हैं और हमारे पार्टी के BLA हैं वो भी जा रहे हैं, उन सभी लोग मिलकर के हम नाम बढ़ाने का काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर आने वाला जो वर्ष है हमारा 2023 में विधानसभा का चुनाव भी है, तो मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। नाम जुड़ने की जगह यही है तो जो शादी योग्य महिलाएं आएंगी उनका भी नाम होना चाहिए, जो 18 साल के बच्चे होते हैं उनका भी नाम होना चाहिए, या कोई कहीं से बाहर से आ गया रहने के लिए और यदि उसका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो उसका भी नाम जुड़वाया जाए। ठीक है, तो सिंपल चीज़ है।